una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. S8 और S8 Plus भारत में लॉन्च हो गया है और हमारे पास S8 Plus है जो अब आपको दिखाएंगे कि आखिर इसमें है क्या जिसके लिए कंपनी इतने दिनों से कह रही है कि यह दुनिया का सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन में से एक है। तो आपको जल्दी से बता दें कि इसके पैकेट के अंदर क्या है। अगर आप इनार्ड्स की बात करें तो इसमें 6.2 इंच की फुल HD डिस्प्ले है, क्वाड HD प्लस सुपर एमोलेड। इसमें खास तरीके का डुअल पिक्सल कैमरा दिया गया है, 12 MP रियर है और 8 MP प्राइमरी कैमरा है। वाटर रेजिस्टेंट है जिसमें IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट दिया गया है। आयरिस स्कैनर है यानी आपके आंखों को स्कैन करके यह स्मार्टफोन अनलॉक होता है। इसके अलावा इसमें 64 GB की इंटरनल मेमोरी है प्लस 4 GB रैम दिया गया है। पिछली बार जैसे गैलेक्सी S7 एज में वायरलेस चार्जिंग दिया गया था, इसके साथ भी वायरलेस चार्जिंग मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको एक अलग से पैड खरीदना होगा। अब आपको फ़ोन दिखा दें तो ये बॉक्स है। बॉक्स तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और अगर आप इसे ओपन करें तो आप पाएंगे ये गैलेक्सी S8 प्लस। दूसरी चीज़ें देखते हैं कि इसके साथ क्या दिया गया है। इसमें और सारी चीज़ें हैं, इसमें पिन है जिससे आप सिम एजेक्ट करने के लिए है, सिम ट्रे निकलेंगे इसमें इसके पिन से, और यूज़र मैनुअल है, क्विक स्टार्ट गाइड, हिंदी में पढ़ सकते हैं इसे। इसके अलावा एज़ यूजुअल चार्जर है, ये फास्ट चार्जर है। इसके अलावा इसमें कनेक्टर दिए गए हैं जिससे आप USB OTG के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक कन्वर्टर है, चार्जिंग के काम आएगा ये भी। एक ईयरफोन दिया गया है जिसे कंपनी AKG का ईयरफोन बता रही है, जो साउंड क्वालिटी के मामले में काफ़ी बेहतर माना जाता है। हालांकि हम रिव्यू के दौरान बताएंगे कि बेहतर है या नहीं। इसके अलावा चार्जिंग के लिए केबल भी दिया गया है। Xiaomi के फ़ोन में तो केबल मिलते नहीं है, लेकिन Samsung ने केबल दिया है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड्स हैं जो आपके काम आएंगे। तो अब हम स्मार्टफोन को ओपन करते हैं और आपको बताते हैं कि ये देखने में कैसा है। पहले ओपन करने से पहले आपको दिखा दें कि पिछली बार जैसे गैलेक्सी S7 एज में आपको डुअल एज कर्व डिस्प्ले दिया गया था, इस बार भी कंपनी ने डुअल एज कर्व दिया गया है, लेकिन इस बार फ़र्क ये है कि इसमें बेजल नहीं है, बेजल न के बराबर है। चलिए अब इसे ओपन करते हैं। तो यह है गैलेक्सी S8 प्लस पावर्ड बाय एंड्रॉयड। तो यह है सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस। यहाँ से स्टार्ट होगा, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और इसका यूज़र इंटरफेस पहले से ज़्यादा बेहतर है और एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन पर यह चलता है। कर्व पहले से ज़्यादा बेहतर है और इसमें पहले से ज़्यादा आइकन लग सकते हैं। इसके अलावा आप रख सकते हैं कुछ भी। होम बटन नहीं है, होम बटन की जगह पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। कंपनी ने बताया था कि इसमें होम बटन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा सबसे खास फीचर एक और इसका है, इसके लिए दिया गया वर्चुअल असिस्टेंट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, बिक्सबी। ये रहा बिक्सबी, ये गूगल नाउ जैसा ही है, गूगल असिस्टेंट जैसा ही है और फिलहाल इसके साथ आपको वॉइस असिस्टेंट नहीं दिया जाएगा। ये वॉल्यूम रॉकर की है, इससे आपका बिक्सबी एक्टिवेट हो सकता है। इसको क्लिक करने से बिक्सबी एक्टिवेट होगा। अब जल्दी से आपको बता दें कि S8 प्लस और आईफोन 7 प्लस में लुक वाइज क्या अंतर है। जैसे अगर आप बैक से देखेंगे तो ये दोनों देखने में एक साइज़ के ही दिखते हैं। जैसे ज़्यादा बड़ी है और कर्व्ड है तो इसलिए स्क्रीन ज़्यादा बेहतर दिख रही है। और कैमरे की बात करें तो इसमें कैमरा बम्प दिया गया है, जो आप अगर जेब में रखेंगे या फिर जो स्लीक वाला मामला है वो थोड़ा सा ज़्यादा अजीब होता है ये कैमरे बम्प से, लेकिन S8 प्लस में आपको कोई कैमरा बम्प नहीं है और ये फ्लैट है सरफेस यहाँ पे। बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईफोन 7 प्लस ज़्यादा बेहतर है या फिर गैलेक्सी S8 प्लस। हालांकि दोनों अलग अलग सेगमेंट के फ़ोन हैं और
कंपैरिजन हम इसका बाद में करेंगे, लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए हमने दो फ़ोन लाए। इसकी बिक्री शुरू होने वाली है और प्री बुकिंग के साथ कुछ ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं A8 प्लस के साथ और A8 के साथ भी दोनों। A8 इससे थोड़ा छोटा है, जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो। लव यू।